हम जू जा रहे हैं दिल्ली का जू घूमने के लिए। तो मैं आगे आगे आपको बताती हूँ क्या है। ऑनलाइन टिकट्स मिल रही है अभी एंट्री के लिए जू में, तो हमने रात को ही टिकट, आपको एक दिन पहले ही टिकट बुक करनी पड़ती है, तो हमने कल रात को ही टिकट बुक कर लिया था। और ये मेट्रो स्टेशन पे हम उसके टोकन, नियर स्टेशन जो है प्रगति मैदान है जू का, तो हम प्रगति मैदान में ही जा, अभी तो आजादपुर मेट्रो स्टेशन पे हूँ मैं, और यहाँ से हमें प्रगति मैदान जाना है। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन से बहुत पास पड़ता है जो जू है, तो मैं आपको डायरेक्ट मिलती हूँ प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन पे। ये बालक लोग हमारे साथ हैं आज के लिए। आर यू एक्साइटेड बालको? दे आर एक्साइटेड वेरी वेरी। अभी हम राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे भीड़ हमेशा होती है, आपको चेंज करना पड़ेगा राजीव चौक पे प्रगति मैदान के लिए। तो अभी हम तो चेंज करने जा रहे हैं, बहुत भीड़ है इधर, हमेशा भीड़ ही होती है राजीव चौक पे। ये राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का रश है, देख लो भाई आप लोगों। हम सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पे पहुंच गए हैं, यहीं से प्रगति मैदान पास पड़ता है, तो अब देखते हैं प्रगति मैदान से क्या लेना है ऑटो वगैरह, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ जो भी होता है। तो यहाँ से भाई हम लोगों ने ऑटो ले लिया है मेट्रो स्टेशन से, क्योंकि पैदल तो जाना भाई पॉसिबल ही नहीं है, तो हमने ऑटो ले लिया इधर से। अब ऑटो से पहुँचते हैं चिड़ियाघर, जब आपसे बात करते हैं। तो भाई ये इधर छोटा सा फूड कोर्ट है, जहाँ पर आप खा सकते हो खाना जाके, अगर कोई खाना खा के ना आए तो। ये हम आ गए हैं, लेकिन हमें स्लॉट मिली है 12:30 पे, तो पहले तो एंट्री होगी नहीं, तो हम लोग यहीं पे वेट कर रहे हैं सब। ये देखो आप, आर यू एक्साइटेड? ये जू जो है भाई एवरी फ्राइडे क्लोज रहता है, तो फ्राइडे को ना आए यहाँ पे। भाई तो हम आ गए हैं नेशनल जूलॉजिकल पार्क यानी जू। तो भाई ये जू है, यहाँ से आपको ऑफलाइन टिकट्स मिल सकती है, लेकिन अभी ऑफलाइन टिकट्स नहीं मिलती है कोविड की वजह से, तो आपको एक दिन पहले ही ऑनलाइन टिकट बुक करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ आकर अगर आप सोचोगे कि ऑनलाइन टिकट बुक करनी है, तो वो तो भाई मिलेगी नहीं, स्लॉट फुल हो जाती है। वेलकम आप लोगों का जू में। तो हमने एंट्री कर लिया है जू के अंदर, अब दिखाते हैं आपको जो जो भी आगे होता है। तो बच्चों आज हम कहाँ आए हैं? अपने घर। तुम्हारे घर का नाम क्या है? जू। फिर से बोलो। जू। जू का सीन है, एंट्री पॉइंट है इधर, और यहाँ पे आपको फोटोज के लिए एक पॉइंट दे रखी है जिधर आप फोटोज क्लिक करवा सकते हो। यू कैन सी हियर। तो भाई जैसे ही आपको चिड़ियाघर यानी जू में एंट्री करोगे, ये आपको मिलेगा फव्वारे लगे हुए, देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, इसीलिए मैं इसको शूट करने से रोक नहीं पाई खुद को, देखो कितना सुंदर है ये। भाई इधर वार्निंग्स दी हुई है जो आपको नहीं करना है। तो ये सुंदर ब्यूटीफुल व्यू देखो आप मेरे पीछे, कितना अच्छा लग रहा है ये देखो। आप ये ब्लैक स्वैन को देख सकते हो, आप चाहो तो ये रिक्शा भी ले सकते हो इधर से जाने के लिए, या फिर आप पैदल भी घूम सकते हो, लेकिन जो पैदल घूमने में मजा है वो रिक्शे में घूमने में थोड़ना है मजे। तो हम तो भाई पैदल ही घूमेंगे और मजे करेंगे और हर पॉइंट पे फोटोज क्लिक कराएंगे ताकि हम एंजॉय करें, और वीडियोस तो आपको देखनी है। भाई ये पता नहीं क्या है इधर, बस जंगल सा लग रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा क्या है, मैं शूट कर लेती हूँ फिर भी। भाई शायद उधर नील गाय है, मैं जूम करती हूँ, ये नील गाय है यहाँ। भाई ये हिरन है देख सकते हो आप। तो भाई आप मेरे पीछे ऑस्ट्रिच को देख सकते हो, ये देखो भाई ये ऑस्ट्रिच है, हमारे तरफ ही बढ़ के आ रही है। भाई तो ये तो ऑस्ट्रिच हमने दिखा दिया, और जितने भी बच्चे हमारे साथ आए हैं वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए आगे जा चुके हैं, तो मैं उनको ही ढूंढ रही हूँ, पता नहीं किधर चले गए। उनको लग रहा है ये सही में उनका घर है, और वो लोग इसीलिए उनसे मिलने चले गए अपने दोस्तों से। भाई तो मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ व्हाइट टाइगर, आई एम वेरी स्केयर्ड, दिखाती हूँ मैं आपको।
दिस इज व्हाइट टाइगर भाई। अभी ये देखो भाई, ये क्या है, व्हाइट टाइगर है। ये देखो भाई व्हाइट टाइगर, सोचो अगर इसके सामने किसी को फेंक दे तो क्या होगा। जूम करके दिखाना कितना बड़ा है भाई। ये इधर पीने के लिए पानी है, अगर किसी ने पानी प्यास लगाए तो वो यहाँ पे पानी पी सकते हैं। जैसे ये बच्चे देखो दौड़ के चले गए पीने के लिए पानी भाई। यहाँ सही में बहुत मजे आ रहे हैं और बहुत बड़ा है, घूमो मजे से, आराम से टाइम पास होगा। क्या बोलना चाहता है तू? ओके चलो हम जा रहे हैं वहाँ पे, आपको मिलेगा जैगुआर भी, वॉल भी, व्हाइट टाइगर, घड़ियाल एंड बंगाल टाइगर। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ भाई। ये बच्चे लोग बोल रहे हैं भाई उठ जा, ये आप देख सकते हैं मेरी उंगली के सामने ये टाइगर है, उसको बच्चे लोग बोल रहे हैं भाई उठ जा उठ जा। अगर वो उठ गया तो क्या होगा इनका हाल, ये नहीं पता इनको। देख सकते हो आप इधर भाई, ये देखो आप जैगुआर है, ये हमसे नाराज होकर उधर देख रहा है, ये हमारी तरफ नहीं देखना चाहता, पीछे की तरफ देख रहा है भाई। इधर देख ले इन बच्चों को, ये तेरे से मिलने आए हुए हैं, वो मूव नहीं करेगा भाई। ये रहा वॉल्फ, इधर है वॉल्फ, साफ नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये रहा वॉल्फ भाई, इधर एक मोर भी है, ये देखो आप ऊपर, शायद आपको दिखे भाई। सही में हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं इधर, बहुत मजा आ रहा है हमें, मजा आ रहा है। देख लो आवाज सुन लो आप बच्चों की, ये बहुत एक्साइटेड है घूमने के लिए भाई। इधर घड़ियाल है, आप देख सकते मेरी उंगली के सामने, ये घड़ियाल सो रहा है आराम से मजे में खा पी के। वन मोर टाइम चुप भाई, यू कैन सी हियर व्हाइट टाइगर। तो देखो ये व्हाइट टाइगर है भाई, ये देखो वो आराम से मौज में घूम रहा है, और बच्चे उधर लटके पड़े हैं, ये देखो इधर बच्चे खड़े हैं। ये उनके लिए थोड़ा गुफा टाइप का बनाया गया है रहने के लिए भाई। ये देखो कितने क्लोज से हम देख रहे हैं व्हाइट टाइगर को, ओ माय गॉड। ये देखो ये इधर ही घूम रहा है, इसके लिए लग रहा है ये बाउंड एरिया है भाई। ये बीच में टॉम्ब टाइप का छोटा सा बना हुआ है, देख सकते हो आप वॉशरूम वगैरह बना हुआ है। सबसे मेन पॉइंट होती है ये, क्योंकि कभी भी किसी को वॉशरूम जाना होता है तो ये इधर बना रखा है इन्होंने। और इधर ही साइड में थोड़े छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, जहाँ पे आप रिफ्रेशमेंट टाइप का कुछ ले सकते हो, आइसक्रीम वगैरह। वही आप मेरे पीछे क्रोकोडाइल देख सकते हो, शायद आपको बड़ी ना दिख रही हो वीडियो में, लेकिन ये रियल में बहुत बड़ा है। ये देखो भाई, ये देखो क्रोकोडाइल, मैं पास से दिखाने के लिए इधर आई हूँ। ये देखो भाई, दो क्रोकोडाइल है इधर, दोनों आराम से सोए हुए हैं मजे में भाई। तो ये कौन है? हाथी मेरा साथी। तो इधर भाई इंडियन एलिफेंट है, आपको मैं दिखा सकती हूँ। ये देखो कितने बड़े बड़े हाथी हैं इधर, ओ माय गॉड। ये देखो हाथी राजा चल के घूम रहे हैं मज्जे में। ये देखो भाई, सच में इन सब चीजों का अलग ही मजा है घूमने का। ये देखो ये खा रहे हैं, देखो कैसे खाते हैं, ओ माय गॉड दिस इज वेरी नाइस। तो भाई मैं थोड़ी थक गई हूँ, रिलैक्स करने बैठी हूँ यहाँ पे। ये आपको रास्ते में मिल जाएगा बैठने के लिए, टेबल्स टाइप का, तो आप वहाँ पे बैठ के आराम कर सकते हो और पानी वानी पी सकते हो। तो भाई इधर बंदर राजा है, आप देख सकते हो छोटे छोटे बंदर, मंकीज। पास नहीं जा रही मैं, मेरे को डर लग रहा है फोन ना छीन ले मेरे से। ये देखो भाई हमारे रास्ते से जा रहा है, ये आराम से, इसके पास कुछ भी नहीं है, ये मजे से बैठा हुआ है। ये देखो भाई इधर इंडियन गेजल है, मैं भी आपको दिखाती हूँ भाई। ये बैठी है इंडियन गेजल, ये देखो आप ये वाला,
दिख गया होगा मेरे ख्याल से आपको। ये देखो ये मोर, पीकॉक को मैं पसंद आ गई। ये मेरे को ये देख रहा है, ये देखो बच्चे मिल गए। फाइनली हम खुश हैं, क्योंकि ये लोग अगर नहीं मिलते तो सही में बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि उन सब के पास अपना फोन भी नहीं है, तो उन लोगों को पता नहीं फिर हम कैसे ढूंढते। लेकिन ये लोग हमें मिल गए, अब हम अच्छे से घूमेंगे, मजे करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो भाई इधर ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। भाई इधर डॉग्स हैं छोटे छोटे, ये देखो आप, ये डॉग्स हैं। भाई इधर आप देख सकते हो हिप्पोपोटामस को, जिसको हिंदी में बोलते हैं दरियाई घोड़ा। ये देखो ये मजे से, ओ माय गॉड, ये तैर रहे हैं मजे में आराम से है। ये देखो भाई इधर व्हाइट बक है, और ये लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे, बहुत शोर कर रहे हैं इधर। ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो श्वेत मृग को भाई। ये देखो इधर भी हिप्पो है, देख सकते हो आप। भाई देखते हैं अब उधर क्या है, वहाँ पे बहुत भीड़ लग रही है, तो हम भी उधर जा रहे हैं, देखते हैं क्या है। चलो भागो बच्चों, ये तो इधर हम देखेंगे मार्स क्रोकोडाइल को। ये रहा, ओ मार्स भाई, ये देखो क्रोकोडाइल है, इधर आराम से सो रहा है ये भाई। ये लोग इतने एक्साइटेड हैं कि बार बार गिर रहे हैं भाई, देखते हैं इधर क्या है। ये लोग तो बड़े मजे में भाग रहे हैं, इधर बस जंगल ही जंगल है और कुछ नहीं है, पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, बस इधर हमें जंगल ही जंगल दिख रहा है, आप देख सकते हो। ओ माय गॉड, ये भाई पीकॉक देख सकते हो आप इधर, ये रहा पीकॉक, पंख फैला लो थोड़ा। तो भाई ये है अफ्रीकन एलिफेंट, देख सकते हो आप, ये मजे में खाना खा रहे हैं, ये बहुत मजे कर रहा है। ये पे ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल दिखा रहे थे, तो हमने एक तो देखा, छोटा सा दिखा था, लेकिन अब दिख नहीं रहा, कहाँ गया पता नहीं। भाई इधर वाटर टैप्स लगे हुए हैं, आप लोग पानी पी सकते हो इधर आके, किसी ने अगर प्यास लगा हो तो। तो इधर मैप लगी हुई है, आप लोग इसकी हेल्प ले सकते हैं घूमने के लिए जू को। भाई ये है इजिप्शियन भाई, ये दिख रहा होगा आपको, ये मिस्र की गिद्ध है, वल्चर जिसको हम बोलते हैं, वो है ये, देख सकते हो आप। ये रहा भाई इधर करेल दिखता, लेकिन मुझे तो नहीं दिख रहा, आप लोगों को दिख रहा है क्या? तो भाई आप इधर देख सकते हो भूरा मछली गुगु इधर दिख रहा है। तो भाई तो हमें थोड़ी भूख लग गई है, हम कुछ रिफ्रेशमेंट खाने जा रहे हैं, आइसक्रीम वगैरह हम खा लेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो मैं आपको खा के बात करती हूँ आपसे। तो भाई हमने ये सॉफ्टी ले ली है, यही मिल रही थी इधर, तो सॉफ्टी और एक कैन लिया है, तो हम खा पी के बात करते हैं आपसे। भाई ये आप देख सकते हो इंडियन पीकॉक को, शायद आपको दिख रही हो, भारतीय मोर ये व्हाइट पीकॉक है, देख सकते हो आप लोग। तो भाई आप इधर पैरेट्स को देख सकते हो, उसकी आवाज भी सुन सकते हो, कितना स्वीट है इसकी आवाज, शेयर कर रहे हैं। ये लोग खाना शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, ये मुर्गा है भाई देख लो आप लोग, और वो जो पीछे है वो मुर्गी है, ब्लैक कलर। अच्छा ये मुर्गा है, वो मुर्गी है, ये आप एडवर्ड फेजेंट को देख सकते हो, शायद आपको दिख रही हो छोटी सी काली सी, वो देखो यहाँ इधर, ये एडवर्ड फेजेंट है, ये देखो हमारी तरफ आ रहे हैं। कुकुट रेड जंगल फाउल है, ये देख लो आप लोग, सुंदर है।
सुंदर है ना ये, इसके पंख पे कैसे लाइन बने पत्ते ऐसे। हाँ कितना सुंदर है ये, लेट मी शो यू गाइस। ब्राउन कलर का है वहाँ पे, ये देखो ये भी रेड जंगल फॉल है, ये भी रेड जंगल फॉल है, देखो आप लोग कितना स्वीट सा, कितना क्यूट सा है ये। देखो ये लोग ये अपने पंख भी खोल लेते हैं भाई, खोल ले हमारे लिए प्लीज प्लीज, खोल लो यार। तो हम बुला रहे हैं इसको करके, आ जाओ इधर, ओ कितना स्वीट है ना ये, ये पैरेट खाना खा रहे हैं, इनसे बुलवाते हैं हम कुछ शेर, शेर ये बोल रहे, जो हम बोल रहे हैं वो वापस से ये बोल रहे हैं, आम 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 भाई, जो हम बोल रहे हैं उसको वापस से बोल रहे हैं ये पैरेट। ये काला तीतर है, देख सकते हैं इधर ही आ रहा है। तो भाई अभी हम बहुत सारे बर्ड्स को देख के आ गए, इस वाले एरिया में सिर्फ बर्ड्स ही थे, बहुत सारे बर्ड्स थे, और वहाँ पे सबसे अच्छी चीज जो थी वहाँ पे पैरेट्स थे, जो हम बोल रहे थे उसी चीज को वो रिपीट कर रहा था बार बार, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो भाई ये सिल्वर फिजेंट है, कितना क्यूट है, कितना प्यारा है, ये देखो आप, इसके पंख बहुत अच्छे हैं और उसमें बहुत अच्छे से डिजाइनिंग डिजाइन बहुत सारे बने हुए हैं अच्छे अच्छे। ये सिल्वर फिजेंट है, तो ये गोल्डन फिजेंट है आप देख सकते हो, और इधर सिल्वर फिजेंट भी है, वहाँ पे जो व्हाइट वाला है वो सिल्वर है और ये वाला जो है ये गोल्डन फिजेंट है। सबसे अच्छी बात है फिजेंट ये पंख बहुत अच्छे होते हैं, उस पर डिजाइनिंग बनी होती है बहुत अच्छी सी, देख सकते हो आप, ये गोल्डन फिजेंट मतलब कि ले रही है। तो भाई ये है बेयर आइड कॉकेटू, वो रहा देखो मेरे सामने, उंगली के सामने, कितना प्यारा लग रहा है यार ये, बहुत प्यारा है। और उनके खाने को कौन खा रहे है देख सकते हो आप लोग, गिलहरी। ये मिलिट्री मकाओ, वहाँ आप देख सकते हैं वो वाला पार्ट देखो आप, कितना सुंदर है ये। यह है लेडी एमर हरेस्ट फिजेंट, ये खाना खा रही है आप देख सकते हो इधर। तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हो नीले पीले मकाओ को, देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा है ये। तो भाई इधर आप देख सकते हो हिरन अपना चारा खा रहा है। भाई ये आप देख सकते हो भारतीय गेंडा है, माय गॉड देखो कैसे बैठा हुआ है, आराम से मजे में, ओ उसका फेस देखो कितना कैसा, ओ ये लग रहा है मेरे को आलसी है बहुत, मजे में लेट रहा है वो। लोग देख सकते हो भारतीय गेंडा, दिखाओ जरा, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ये भारतीय गेंडा है, आराम से सोया हुआ है ये। तो भाई अभी हम लोगों ने डायनासोर को देखा, बहुत ही मस्त लग रहा था, आराम से लेटा हुआ था, लेकिन यार जू आने पे ना आप लोग थक बहुत जाओगे, बहुत घूमना पड़ता है जू में। अभी आगे चल के मैं दिखाती हूँ जो भी दिखे मुझे सही सा। एक तो मेन बात, आपको वाटर बॉटल भी अलाउ नहीं होता इधर लाना, आप उसको परचेज कर सकते हो भले ही, लेकिन उसको कैरी करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हमने पी लिया उधर, हम बॉटल कैरी करके नहीं लेके आए। तो अब हम जिधर जा रहे हैं उधर वाटर वर्ड्स हैं शायद, वाटर वर्ड्स की तो अपनी खूबसूरती होती है, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में, मैं जब देख लूँ जब। तो आप इधर हिमालयन ब्लैक बियर देख सकते हो, वो देखो आराम से सोया हुआ है, ये देखो सो रहा है आराम से ये, और मेन चीज इधर कैमरा भी लगा हुआ है, तो आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते इसके साथ। वो मुंह अब देखो बियर मूव कर रहा है धीरे धीरे, ये देखो ये
चिल्ला फिर से, धीरे धीरे ये उठ रहा है, उठ जा भाई, हम वेट कर रहे हैं। ये उठ गया, उठ जा भाई, उठ जा। यहाँ पे आपको स्लॉथ बियर दिखेगा, लेकिन ये इस गुफा के अंदर है, इस वाले पार्ट में हुआ है आपको, लेकिन दिखेगा नहीं यहाँ पे। यहाँ पे आप बहुत सारे स्वाइन को देख सकते हो जो वहाँ पे दिख रही है, ये बहुत ही प्यारा है, आपको कैमरे में इतना ब्यूटीफुल नहीं दिखेगा जितना मेरी आईज से ही दिख रहा है, बहुत ही अमेजिंग है ये। ये देखो आप कितना प्यारा लग रहा है भाई, देखो ये चीता है और ये कितने मजे में सोया हुआ है, देख सकते हो आप, ये बहुत ज्यादा क्लोज है हमारे, बहुत ज्यादा मतलब बहुत कम डिस्टेंस है, 3 मीटर की डिस्टेंस होगी ज्यादा से ज्यादा, बहुत क्लोज है ये हमारे, देख सकते हो आप भाई। हमने अभी आपको चीता को दिखाया, वो आराम से सो रहा है मजे से भाई, देख के इतना डर लग रहा था। और यहाँ देखो तेंदुआ, एक को तेंदुआ को लिपर्ड को, ओह माय गॉड, ये देखो कितने आराम से बैठा हुआ है, लटका हुआ है, बाप रे, ये देखो ये आराम से वॉक कर रहा है, आप देख सकते हो इस लिपर्ड को, ओह माय गॉड, ये इधर ना आ जाए, ओह माय गॉड, ये इधर ही वॉक कर रहा है, ज्यादा खा लिया इसने लग रहा है। ये देखो भाई, ये ग्रे लंगूर है जिसको नॉर्मली हमारे यहाँ हनुमान लंगूर बोला जाता है, देख सकते हो आप, ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है ये बंदर, इसको यहाँ पे देख सकते हो शाही को, ये देखो इसके पंख से ही जो वो नुकीला टाइप का है वो निकलता है, तो इसको यूज ही लोग यूज करते हैं मांग में सिंदूर लगाने के लिए, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, पता नहीं सब जगह होता है या नहीं होता। ये देखो ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है ना, इसी को यूज किया जाता है। ओवरऑल जू घूमने में तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा, लेकिन भाई ये शेर नहीं, मैं दहाड़ रही हूँ। ये खुले रूप से ऐसे घूम रहा है, देखो ये देखो कैसे घूम रहा है भाई, साहब बब्बर शेर लग रहा है ये देखो, माय गॉड, ये देखो भाई साहब कितना मस्त लग रहा है, ओ माय गॉड, ये देखो भाई। फाइनली हम लोग जू घूम चुके हैं, ओवरऑल एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा रहा जू का, और ये मेरा सेकंड ब्लॉग है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।